मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू, 10 मार्च अंतिम तारीख। दिल्ली, मेहरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना का एक और C-17 विमान कल रात राहत सामग्री और आपातकालीन उपकरण लेकर सीरिया और तुर्की के लिए रवाना हुआ। कटिहार में स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। नोएडा, जुगी में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग में 2 बच्चों की मौत, 4 झुलसे। बेंगलुरु, ISIS और अलकायदा से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर NIA ने की छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद। मुंबई, इंटरनेट टेक्नीशियन बताकर फ्लैट में घुसे अपराधी, सोने की चेन लूटने के बाद महिला पर चाकू से किया हमला। IIT के शोधकर्ताओं ने दिए पुरानी इमारतों की समस्याओं के समाधान, पुरानी इमारतें भी बनेंगी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। वंदे भारत एक्सप्रेस, देश को मिली 9वीं और 10वीं वंदे भारत ट्रेन। कर्नाटक हाई कोर्ट, अवैध संबंधों के कारण मां ने की बच्ची की उपेक्षा, हाई कोर्ट ने पिता को दी कस्टडी। इंडियन राइस कांग्रेस, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा चावल खाद्य सुरक्षा का आधार, अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण। तेलंगाना, BRS नेता KT रामाराव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा हम शिलान्यास की बात करते हैं, वे कब्र खोदने की। लालू यादव, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भारत लौटे RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद। मर्डर, पुलिसकर्मी की गोली से मारे गए पूर्व मंत्री के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री, BJD सरकार पर बोला हमला। अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अब्दुल नजीर बने राज्यपाल, अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा थे। तुर्की, विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही के बाद अंताकिया शहर में मलबे का पहाड़ और इमारतों के मलबे को हटाने का काम जारी है।